सापत तारत परुष कहंता पूजहि विप्र कांशर संता। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी जितनी भागीदारी के नौ दिन के इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके अपनी ताकत का एहसास करा रहा। तो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे। सम्मान और स्वाभिमान पाने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा। प्रताड़ित और अपमानित करने की बात की जाती है तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, जुल्म है, जाति है, अत्याचार है। हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। समय समय पर वैचारिक आंदोलन होते रहे हैं। आज से 2000 वर्ष पूर्व इस देश में ढोंग पाखंड रूढ़वादी परंपराएं नर बल पशु बल अश्वमेध यज्ञ के नाम पर तमाम जानवरों का बल दिया जाना, इंसानों का बल दिया जाना, आदि कुप्रथाओं को कभी यहां पर रोकने का काम किया था, अपने विचार का परचम बढ़ाया था, तो विश्व के धम्म गुरु नायक महामानव गौतम बुद्ध उस परंपरा को सम्राट अशोक, राजा प्रसेनजीत, कनिष्क वंश के राजाओं के साथ साथ महाराजा हर्षवर्धन ने भी समय समय पर ईश्वर शक्ति प्रदान की। एक समय आया जब इस देश में फिर से ढोंग ढपटले पाखंड चरम पर बढ़ गए। तो उस समय संत प्रथा चली और उस प्रथा में महान संत शिरोमणि रविदास जी, संत कबीर जी, संत गुरु नानक जी आदि आगे बढ़ करके अपनी वैचारिक क्रांति के माध्यम से इसको कमजोर करने की कोशिश की। आधुनिक भारत में हमारे तमाम सामाजिक परिवर्तन के महानायकों ने जब देखा कि एक वर्ग विशेष को ही पढ़ने लिखने का कार्य है, सभी समाज की महिलाओं को शिक्षा से वंचित किया जा रहा है, क्षत्रिय को भी स्कूली पढ़ाई लिखाई का अधिकार नहीं था, वो केवल हथियार चलाने की शिक्षा ले सकता था, और तथाकथित इनके चातुर वर्ग का जो शूद्र वर्ग था उसको तो शिक्षा कतई न दिए जाने की व्यवस्था थी। तो ऐसी हालात में इन वंचित समाज को हक और अधिकार दिलाने के लिए सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़ा होने के लिए, शिक्षा से जोड़ने के लिए एक लंबा अभियान चला। सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबाराव फुले जी, छत्रपति शाहूजी महाराज, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पेरियार रामास्वामी नायकर, नाराना गुरु, संत गाड़गे आदि तमाम महापुरुषों ने
इस कड़ी को फिर से जीवंत बनाया। बीच में ठहराव आया, एक दूसरा सामाजिक परिवर्तन का महान आयोग पैदा हुआ मानवकांक्षी गांधी के रूप में, और जिसने सम्मान स्वाभिमान को पाने के लिए राजनीतिक सत्ता हथियाने का मंत्र उठाया, जिसकी जितनी संख्या वाली मुस्लिम भागीदारी के नौजवान के इस बहुजन समाज को हुक्मरान बना करके अपनी ताकत का एहसास करा रहा। आज मानवकांक्षी गांधी के निर्वाण प्राप्त करने के बाद देश में यथास्थित गांधी ताकते फिर से अपना जातीय कहर बरपा करने लगे थे। जहां सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, सावित्रीबाई फुले ने पहली बार इस देश में महिलाओं को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया, वहीं पर सामाजिक परिवर्तन के महानायक ज्योतिबा फुले जी, छत्रपति शाहू जी महाराज और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर, तमाम ऐसे महान नेताओं ने एक लंबा आंदोलन करके इस देश के अनुसूचित जाति अनुसूचित और पिछड़ों को पढ़ने लिखने का अधिकार दिलाया। यह संयोग था कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को भारतीय संविधान तैयार करने का मौका मिला। संविधान संविधान कमेटी के अध्यक्ष होने के नाते बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने बिना किसी देव भावना से, बिना किसी ईर्ष्या से सबको समान अधिकार देते हुए उन वर्गों को भी जो लंबे अरसे तक धन धरती शिक्षा सम्मान से वंचित थे, उनको भी धन धरती शिक्षा सम्मान के साथ खड़ा होने का अवसर दिया। आज हमने देखा संविधान की शपथ लेने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोग आज संविधान का कत्यान करने पर उतारू हैं। अनुसूचित जात अनुसूचित जात जनजाति और पिछड़े वर्गों को संविधान प्रदत्त आरक्षण एक एक कर ये खत्म करते जा रहे हैं। जातवादी ताकते फिर से सिर उठा के खड़ी। जब भारतीय संविधान अनुच्छेद 15 सबको समता का अधिकार देते वक्त स्पष्ट व्याख्या करता है कि धर्म जाति लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा, तो आखिर संविधान की शपथ लेने वाले लोग संवैधानिक पदों पर बैठे हुए प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री की देखरेख में आज संवैधानिक व्यवस्था का कत्यान क्यों हो रहा है? मेरी मान्यता है धर्म मानव सम्मान और मानवता के सशक्तिकरण के लिए होता है। यही कारण है पूरे विश्व में भारत की पहचान बुद्ध से होती है, क्योंकि वो एक ऐसे पहले महापुरुष थे जिन्होंने पूरे दुनिया को मानवता का पाठ पढ़ाया था, मानव मानव एक समान का संदेश दिया था। इसीलिए भारत भूमि पर पैदा होने के बावजूद भी बुद्ध दुनिया के 49 देशों में पूजे जाते हैं। यही नहीं, उनके मानने वालों की संख्या निरंतर बढ़ रही। रूस जो
तिब्बती लोग वहां भी बुद्ध के अनुयायी हो गए। और आज यही नहीं, अमेरिका में हमारी सरकार नहीं, वहां अमेरिका की सरकार होती है, लेकिन राखी की पहाड़ियों में पुरातत्व विभाग द्वारा जब खुदाई होती है तो वहां पर भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिलते हैं। साइबेरिया के पठार में भी जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई किया तो वहां भी भगवान बुद्ध और बुद्धकालीन अवशेष मिले। और आपको याद होगा कुछ दिन पहले तालिबानों ने भगवान बुद्ध की मूर्ति तोड़ी थी अफगानिस्तान में, बामियान पहाड़ियों में, यानी 100 फीट भगवान बुद्ध की मूर्ति हम बनाने गए थे, आप बनाने गए थे। ये हजारों साल पहले की धरोहर अभी तक विश्व के कोने कोने में छिपी हुई है। आज भी जमीन के अंदर बहुत सी ऐसे ऐतिहासिक साक्ष्य दबे हैं। यही नहीं, आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पर जहां राम मंदिर बन रहा है, पुरातत्व विभाग ने 3 बार खुदाई की, वो भी भारत सरकार की संस्था, 3 बार की खुदाई में भगवान बुद्ध की मूर्तियां और बुद्धकालीन अवशेष मिले। यहां तक कि माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने राम जन्म भूमि के पक्ष में निर्णय देते हुए बुद्ध का जिक्र करते हुए कि चूंकि ये बुद्ध की स्थली रही है इसलिए राम यहां पैदा होंगे, हुए होंगे, इस आधार पर राम जन्म के विषय में उन्होंने अपना निर्णय सुनाया। आधार उसमें भी बुद्ध अवशेष और बुद्ध ही दिखाया गया। आज दुनिया के तमाम देशों का राष्ट्रधर्म बौद्ध धर्म, क्यों? आप कहते हो पहले तो तथाकथित हिंदू धर्म जिसमें हम सब पैदा हुए और जिसमें पैदा होने की पीड़ा भारतीय संविधान निर्माता परम प्रतिभाशाली डॉक्टर अंबेडकर ने अपने पूरे जीवन में पग पग पर जाति उत्पीड़न का जो दंश झेला था, विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने का गौरव प्राप्त करने के बाद भी जब भारत भूमि पर आए थे तो विश्व का सबसे बड़ा विद्वान होने के बाद भी उनको जाति अपमान के कड़वे घूंट पीने पड़े थे, जिसे तंग आकर के बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था, मैं बुद्ध धर्म में पैदा हो, मैं हिंदू धर्म में पैदा हो गया, ये मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू होकर नहीं मरूंगा, ये मेरे बस में है। और इसीलिए 1956 में यानी भारतीय संविधान लागू होने के बाद, भारतीय संविधान लागू होने के बाद 1956 में नागपुर की दीक्षा भूमि पर 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करने का काम किया था। वो 10 लाख लोगों के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण करके उन्होंने आने वाली पीढ़ियों को बता दिया था कि अगर सम्मान और स्वाभिमान चाहते हो तो वह जिस धर्म में पैदा हुए हो वहां नहीं मिल सकता। सम्मान और स्वाभिमान पाने के लिए भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा, भगवान बुद्ध के रास्ते पर जाना पड़ेगा। वह 1956 में
बौद्ध धर्म की दीक्षा ग्रहण करने का उद्देश्य भावी पीढ़ियों को अप्रत्यक्ष रूप से निर्देश था। आज हमने तो बहुत छोटी सी बात की थी कि जब भारतीय संविधान सबको बराबर का दर्जा देता है तो आज भी धर्म की आड़ में इस देश की महिलाओं को, समूचे शूद्र समाज को आखिर मारने पीटने प्रताड़ित करने की बात क्यों की जाती है। एक और माननीय प्रधानमंत्री जी महिला सशक्तिकरण अभियान चला रहे हैं, नवरात्र के समय में हमारे हिंदू धर्म के तमाम तथा कथित लोग नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में करते हैं। जब नारी शक्ति की पूजा देवियों के रूप में हम करते हैं, सरकार महिला सशक्तिकरण अभियान चलाती, तो आखिर महिलाओं को प्रताड़ित और अपमानित करने की बात क्यों? यानी देश की आधी आबादी महिला को आज भी अगर प्रताड़ित और अपमानित करने की बात की जाती है तो हम समझते हैं ये धर्म नहीं है, ये अधर्म है, अन्याय है, जुल्म है, जाति है, अत्याचार है। कभी भी धर्म किसी को अपमान करना नहीं सिखाता, किसी को प्रताड़ित करने की बात धर्म नहीं कहता। गाली देना धर्म नहीं है, नीच कहना धर्म नहीं है, ये सब अधर्म है। और इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि आज भी जब सबको बराबर का अधिकार है तो धर्म के नाम पर आप कैसे गाली दे सकते हो कि जय बड़ाधम तेरी कुम्हारा सुपच पिरात कोल करवा, जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करके आप किसी को नीच कहते कह सकते हो। और इत्तिफाक से ये जो जातियों का नाम ले रहे हो ये ईसाई नहीं है, ये मुसलमान नहीं है, ये कोई यहूदी नहीं है, ये सब हिंदू धर्म के मानने वाले लोग ही है। क्या ऐसा भी कोई धर्म देखा जो अपने ही धर्म को मानने वाले को नीच कहे, अधम कहे? और यही नहीं, जहां देवियों की पूजा नारी शक्ति के रूप में होती हो वहां महिलाओं को मारने पीटने की बात की जाती हो, ढोल गंवार सूद प्रश्नारी शकल ताड़ना के अधिकारी, यानी पूरा का पूरा शुद्ध समाज, पूरा का पूरा नारी समाज ये प्रताड़ित किए जाने के पात्र हैं, मारे पीटे जाने के पात्र हैं। हिंदू धर्म के ठेकेदारों, हमने आपको गाली नहीं दिया, हमने आपको अपमानित भी नहीं किया, हमने आपको चोर और लंपट भी नहीं कहा, हमने तो केवल निवेदन किया कि धर्म की आड़ में जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर गाली देना बंद कर दो। हमने तो केवल यह निवेदन किया कि देश की महिलाओं को, जिसकी देवियों के रूप में हमारी संस्कृति और भारत भूमि पर पूजा होता है, यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्तदेवता, जहां ये शुक्ति चलती हो वहां पर महिलाओं का अपमान धर्म के नाम पर करना बंद कर दो। और यही नहीं, पूरे शुद्ध समाज को, यानी आधी आबादी महिलाओं की, पूरा महिला समाज शुद्ध समाज को जोड़ लीजिए तो उसमें आदिवासी दलित और पिछड़ा सब शामिल हो गए। यानी मिलिंद जी, अब बात केवल 85 तक नहीं पहुंची है, महिलाओं को
शामिल करने के बाद अब बात 97 बनाम 30 फीसदी हो गई है। अब तो महिलाओं की भी लड़ाई हमको लड़नी पड़ेगी, वो किसी वर्ग की महिला हो, ब्राह्मण समाज की हो, क्षत्रिय समाज की हो, वैश्य समाज की हो, शूद्र समाज की हो, इनके धर्म में सभी महिलाओं को अपमानित किया गया है। तो ये अपमानित होने वालों को भी हम अपनी जमात की लड़ाई के साथ इनके भी सम्मान की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूं सर, हमने तो केवल बात किया कि भाई संशोधित कर लो, और नहीं तो सरकार से कहा इसको प्रतिबंधित कर दो। तो रातों रात गीता प्रेस वाले संशोधित कर दिए कि ताना का मत शिक्षा। अरे चोर कितना भी चोरी करे फिर उनको तो छोड़ ही जाता। गीता प्रेस वाले पहली बात तो वो अधिकृत नहीं है, किसी की लिखी किताब को प्रिंटिंग प्रेस अर्थ नहीं बदल सकता, वो अधिकृत नहीं है। दूसरी चीज, एक मिनट में मान लिया सच है तो गधे, खच्चर, ऊंट, गाय, भैंस, सुअर, बकरी को कौन से स्कूल में पढ़ाने का काम करोगे? कहां शिक्षा दोगे? कौन सी किताब बकरी को पढ़ाओगे? कौन सी किताब भैंस को पढ़ाओगे? कौन सी शिक्षा दोगे ऊंट को? कौन सी शिक्षा दोगे सुअर को? कौन सा शिक्षा दोगे कुत्ते को? कौन शिक्षा दोगे बिल्ली को? इसलिए अपने तरह क्या सबको मूर्ख समझते हो क्या? सभी बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, कोई पीएचडी है, कोई डीलिट है, कोई प्रोफेसर है, कोई लेक्चरार है, कोई आईएएस है, कोई आईपीएस है, कोई आईआरएस है, और कोई इंजीनियर है, कोई टेक्नोक्रेट है, कोई साइंटिस्ट है। क्या इतना मूर्ख समझ लिया कि आप जो लिख दोगे वो मान लिया जाएगा? और वहीं पर उसी में जहां आपने ताना कर बोला, वहीं दूसरी लाइन में ताना कर अभी भी मारना पीटना। सापत ताड़त पुरुष कहंता, सापत ताड़त पुरुष कहंता, पूजे विप्र कहां संता। तो यहां ताना का अर्थ अभी भी मारना पीटना। तो एक जगह बदलने से तो आपकी चोरी पकड़ ली गई। अगर सब बदल दिए होते तो हो सकता है धोखे में एक बार आपकी बात को लोग सच मान लेते। इसलिए आज यह है, लड़ाई लंबी जरूर चलेगी, लेकिन भारतीय संविधान रहते धर्म की याद में अब जाति सूचक शब्दों का प्रयोग कर तुम नीच नहीं कह पाओगे, अधम नहीं कह पाओगे, प्रताड़ित नहीं कर पाओगे। और साथ ही साथ तुमने बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का भले अपमान कर दिया, विश्व के सबसे बड़े विद्वान होने के बावजूद भी तुमने पट पर उनके जाति अपमान कर दिए हो। लेकिन आज पूरा देश जग गया, अब पूजे ही विप्र सकल गुणहीना, इतना तक तो गनीमत है, तुम अपने को पूजवाते किसको क्या आपत्ति? आप पूजवा लेते किसी कोई आपत्ति नहीं थी। सकल गुणहीना, कहीं कहीं है शील गुणहीना, यानी शील गुण दोनों से हीन हो, चोर हो, लंपट हो, व्यभिचारी, दुराचारी, देशद्रोही, राष्ट्रद्रोही, कुछ भी हो, इनकी भाषा में अगर वो विप्र है तो उसका सम्मान करो। इस पर भी हमको एतराज नहीं था, लेकिन आगे क्या लिख दिया कि पूजे ही शूद्र गुण ज्ञान न प्रवीणा। कितना भी गुणी हो, कितना भी ज्ञानी हो, ज्ञान में प्रवीण हो,
फिर भी उसका सम्मान मत करो। यह है अन्याय भारतीय संविधान के रहते नहीं चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी, आप भी चुनावी बैतरणी पार करने के लिए 2014 में हर जगह मंचों से कहे थे कि फला पार्टी ने हमको नीच कह दिया क्योंकि हम पिछड़ी जात में पैदा हुए हैं। 2014 पार्लियामेंट चुनाव के पहले आपने खूब रोना रोया था कि मैं पिछड़ी जात में पैदा हुआ हूं, इसलिए फला पार्टी के नेता ने हमको नीच कह दिया। माननीय प्रधानमंत्री जी, केवल वोट देने के लिए आप पिछड़े हैं या काम करने के लिए भी पिछड़े हैं? वोट देने के लिए तो पिछड़े बन जाते हैं, लेकिन जब लिटरल एंट्री के नाम पर 340 होते हैं तो 340 आईएस में एक भी शेड्यूल कास्ट, एक भी शेड्यूल ट्राइब्स, एक भी बैकवर्ड क्लास का व्यक्ति नहीं है। सेम सेम, हम कैसे मान रहे हैं पिछड़ी जात के? इसका मतलब है आप पैदाइशी पिछड़ा नहीं हो, आप मुख्यमंत्री बनने के बाद पिछड़ी जात को शामिल कराए हो राजनीतिक भाग लेने के लिए। इसीलिए आपने पिछड़ों को 340 आईएस में कोई स्थान नहीं दिया, एक भी दलित नहीं, एक भी आदिवासी नहीं, एक भी पिछड़ा नहीं। आपका तो असली चेहरा अब जनता के सामने आ रहा। यही नहीं, आप अगर पिछड़े होते तो आरक्षण पर हमला नहीं होता, अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, पिछड़ों का आरक्षण ये लगभग 49% है। उत्तर प्रदेश के कई सरकारी नौकरी जो लोक सेवा आयोग को सरकार का ज्ञापन गया, तीनों के आरक्षण का हिस्सा कहीं 11% कहीं 17%, जबकि होना चाहिए 49%, लेकिन आ रहा है कहीं 17% कहीं 11%। यह क्या है? अंधा बाटे रेवड़ी अपन अपन कर दे। और माननीय मोदी जी, आप तो बहुत बड़ी कुर्सी पर बैठे हैं, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं, पिछड़ों का रोना रोते हैं, लेकिन वोट के लिए तो आदिवासियों के बीच में आदिवासी बन जाएंगे, दलितों के बीच में दलित बन जाएंगे, पिछड़ों के बीच में पिछड़े बन जाएंगे, लेकिन हिस्सेदारी में जब हिस्सेदारी की बात आती है तो आदिवासी भी नदारद, दलित भी नदारद, पिछड़ा भी नदारद। आखिर ऐसा क्यों? साथियों, मैं आपको कहना चाहता हूं, मैं मानवर कांशी राम जी के स्कूल से निकला हुआ विद्यार्थी हूं,